लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पेपर थे और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे A123 शीट हो रही थी। A123 शीट के अंदर ये क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन पेंडिंग था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद क्लास में डिस्कस हुआ हुआ है, हुआ हुआ है, याद है कुछ? अच्छा ठीक है। अ स्मॉल होल असाइनमेंट का क्वेश्चन था ये। अ स्मॉल होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ अ सिमेट्रिकल जार, एक जार है उसमें वाटर है और एक छोटा सा होल है नीचे की तरफ। अ लिक्विड इज फिल्ड इन टू द जार अप टू अ सर्टन हाइट, किसी हाइट तक लिक्विड फिल्ड है। द रेट एट विच द लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द जार, तो जो रेट है नीचे गिरने का, तो रेट का मतलब नीचे गिरने का रेट क्या है कि वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट नीचे गिरने का क्या है, डी वाई बाई डी टी। तो नीचे गिरने का रेट डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, और क्योंकि हमने ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जब कोई लेवल कम हो रहा होता है तो यहाँ साइन क्या लगता है, माइनस, और अगर बढ़ रहा होता है तो साइन क्या लगता है, प्लस। वाई इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रेट है, और अगर माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है तो माइनस रेट है। तो माइनस डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, द रेट कॉन्स्टेंट है, द सरफेस ऑफ द जार, ये एंड की लाइन बेकार है, आपको बस ये है कि वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। एंड की लाइन मैं क्वेश्चन लिखते हुए सोच भी रहा था क्यों लिखी है, द सरफेस ऑफ जार इज अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व, मतलब कि अगर घूमेगा तो बस वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नीचे उसके कॉन्टैक्ट में है, फ्लैट नहीं है, बस ये बोलना चाहता है। ठीक है चलो ठीक है, जैसी भी लाइन है ऐसे लिख दी मैंने। तो वाई और एक्स में रिलेशन है, लिक्विड का लेवल नीचे गिर रहा है और एरिया ऊपर, उसका जो ऊपर का एरिया है जो आपको दिख रहा है कैपिटल ए, वो पाई एक्स स्क्वायर होगा, पाई एक्स स्क्वायर, एक्स रेडियस है ना उसका, और वो चेंज भी होता रहेगा पाई एक्स स्क्वायर से, तो रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है। और मुझे ये पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब पानी खाली होता है तो जितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड नीचे आता है उतना ही वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बाहर जाता है, तो नीचे आने का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, एरिया इंटू नीचे आने की वेलोसिटी, एरिया कितना है उसका कैपिटल ए, और किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, माइनस डी वाई बाई डी टी। तो ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रेट खाली हो रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन किया करते थे जिसमें टैंक खाली हो रहा होता था, जब टैंक खाली होने की प्रॉब्लम है वो इस तरीके से सॉल्व होती थी, और मस्ट बी इक्वल टू जो होल है उसका एरिया कितना है, स्मॉल ए, और वो वाई डिस्टेंस है पानी का उसकी किसी भी इंस्टेंट पे, तो एफ्लक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2g y, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से ये टर्म कॉन्स्टेंट है पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग करोगे तो वाई और एक्स में रिलेशन आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एडवांस का किसी एंगल से क्वेश्चन है नहीं वैसे, अभी उस पर आएंगे बेसिकली, अभी थोड़ा स्लोली 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 लेवल इंक्रीज होगा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थिन हॉलो कोन फ्लोट्स विद इज इट्स एक्सिस वर्टिकल अप टू 1/3 ऑफ इट्स हाइट इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। तो ये कोन जो है ये इसके अंदर एक हॉलो कोन है, एक खाली है कोन, और इसका वर्टिकल एक्सिस है एंड फ्लोट कर रहा है ये कोन, और ये फ्लोट कर रहा है अप टू 1/3 ऑफ इट्स हाइट इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। तो किसी लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर थी, उसमें वो फ्लोट कर रहा है, और कितना पोर्शन डूबा हुआ है इसका, 1/3 है आगे। एंड व्हेन अनदर लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी रो, तो अब एक और लिक्विड है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.8 की जगह रो, इज फिल्ड इन इट, अब उसमें भर दिया कोन में पानी, भर दिया या लिक्विड भर दिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8, अब वो फ्लोट कर रहा है विद हाफ इट्स वर्टिकल हाइट, पहले 1/3 डूबा हुआ था अब हाफ डूबा हुआ है, आपको रो निकालना है। तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगना है, बहुत सिंपल है, फ्लोटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से क्या लगना है कि पहले हाइट कितनी डूबी हुई थी पानी के अंदर, h/3, और जब इसके अंदर लिक्विड डाल दिया गया, लिक्विड डाला तो कितनी हाइट हो गई, h/2। कॉन्सेप्ट क्या है, एम इज द मास ऑफ द कोन बिफोर लिक्विड इज फिल्ड, पानी नहीं डाल, अभी मैंने कोई लिक्विड नहीं डाला, खाली है ये, तो मैं ये यूज कर सकता हूं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, फ्लोटिंग प्रिंसिपल है। अब इसका वेट निकलेगा कैसे, या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकलेगा,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि पहले लिक्विड जिसमें फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी 0.8 है, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या आ जाएगी, 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये स्टेप क्लियर है, जीरो जी लगा रहा हूँ डेंसिटी, वॉल्यूम कितना पोर्शन का लेना है, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसकी वजह से है, इतने पोर्शन की वजह से, जिसकी हाइट कितनी है, h बाई थ्री, तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें, 1/3 पाई r/3 का स्क्वायर इंटू h/3, बस ये